दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कंबाइंड प्रोस्पेक्टस आ गया है जामिया स्कूल का। 2023 से 24 का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च से भरे जाएंगे। तो आज है 13 मार्च, तो आज से फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, लेकिन आज के दिन प्रोस्पेक्टस आ गया है। इसमें आपको बताने वाला हूं कि 2023 का अपडेटेड सिलेबस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ओएमआर शीट सैंपल क्या है, कौन से कैटेगरी के कितना परसेंट रिजर्वेशन से, एनुअल फीस स्ट्रक्चर क्या है, टेस्ट पेपर हिंदी इंग्लिश उर्दू में तीनों में रहता है या नहीं रहता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाने होंगे जिससे एडमिशन हो सकता है, और सिग्नेचर फोटो कितना केबी का होना चाहिए, और इसके साथ साथ मिनिमम मार्क्स के साथ साथ आपको पूरे एडमिशन शेड्यूल आपको बताने वाला हूं। चलिए एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको मैं ले चलूंगा तीन नंबर पेज पे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये चार्ट है। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो इस चार्ट से आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 15 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट होगा 13 अप्रैल। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि 13 अप्रैल से पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब बताते हैं किस क्लास का कब रिटन टेस्ट है या कब लॉटरी निकलेगा। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि नर्सरी में, प्रेप में और क्लास फर्स्ट में लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होगा। तो इन तीनों कोर्स का जो लॉटरी आएगा, नर्सरी का 17 मई को, प्रेप का 18 मई को और क्लास फर्स्ट को 18 मई को, ये लॉटरी निकलेगा तब एडमिशन होगा नर्सरी, प्रेप में, फर्स्ट में। यानी इसमें कोई टेस्ट नहीं होने वाले हैं नर्सरी, प्रेप और क्लास फर्स्ट में। जामिया में एडमिशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा, लॉटरी सिस्टम होगा। इस लॉटरी में किसको एडमिशन मिलेगा वो सॉफ्टवेयर से लॉटरी होता है। तो इसमें बहुत अच्छा चांस होता है कि आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए और कोई बच्चे का टेस्ट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भाग्य में लिखा होगा, किस्मत में लिखा होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा, तो उनका एडमिशन जामिया में नर्सरी, प्रेप, क्लास फर्स्ट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं है। अब जिसमें टेस्ट है देख लेते हैं। 6 क्लास का टेस्ट है, 7 मई को टेस्ट है सुबह 10 बजे से, टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 का जो टेस्ट है 14 मई को है, 10 बजे से है। 11 साइंस का टेस्ट है 13 मई को 10 बजे से। 11 आर्ट्स की जो टेस्ट होगा वो 15 मई को होगा। 11 कॉमर्स का जो टेस्ट होगा वो 15 मई को होगा, लेकिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। ये तो मैंने फॉर्म का डेट बता दिया है और आपको टेस्ट का डेट बता दिया, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर पेज पे। आपको एलिजिबिलिटी दे रखा है और थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, लेकिन एलिजिबिलिटी से पहले आपको बताना चाहता हूं कि एप्लीकेशन फी हर कैटेगरीज के लिए सिर्फ 300 रुपया है। जितने भी कैटेगरीज है, जितने भी क्लासेस है, तो चाहे नर्सरी का हो, प्रेप का हो, फर्स्ट का हो, 6, 9, 11, आर्ट्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस का, सबका 300 रुपया ही एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन फी। और आपका फोटो का जो साइज है वो 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में होना चाहिए, आपका सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चलेगा। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, तो कलर फोटोग्राफ में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए, नहीं तो साइज उल्टा पुल्टा से आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए ये चीज जरूरी थी। एप्लीकेशन फीस 300 रुपया है। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी में। तो एलिजिबिलिटी आपको देखिए, रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन देख लेते हैं फटाफट। रिजर्वेशन जो है आपका 30% जो है वो मुस्लिम्स ओबीसी का, मुस्लिम जनरल का है, 10% मुस्लिम वेमेन का है, 10% मुस्लिम ओबीसी के है, 5% रिजर्वेशन है डिफरेंटली एबल का, और भी रिजर्वेशन है जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स का, कश्मीरी पंडित का जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनका। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन के लिए 9th और 11th में स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन होता है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट, सिर्फ 4 ही गेम है जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है। पूरा कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो 2023 के लिए। ये चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, इस चार्ट से ये आपको पता चलेगा कि आपका जो टेस्ट डेट्स है उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट देख लीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून में सारे कोर्सेज का, जितने भी टेस्ट वाले कोर्सेज हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून में टेस्ट का रिजल्ट आने की उम्मीद है। उसके बाद जो एडमिशन है सेकेंड वीक ऑफ जून में होने का है। बाकी टेस्ट डेट्स हमने पहले बता दिया है। आप सीट्स देख सकते हैं कि 6 में 40 सीटें हैं, 9th में देखिए अलग अलग स्कूल में अलग अलग सीटें हैं, 30, 100, 200। साइंस में 40, 20, 50, ये स्कूल का नाम है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं किस कोर्स में, किस स्कूल में कितने सीटें हैं। चलिए इसमें पता चल गया, लेकिन मिनिमम मार्क्स वाले आपको बताना मैं भूल गया कि कितना मिनिमम मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। अगर उतना नहीं लाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। देखिए मिनिमम 33% आपको मार्क्स टेस्ट में लाने जरूरी है, तभी आपको एडमिशन्स के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप टेस्ट में 33% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका कॉल लेटर ही नहीं आएगा, यानी आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी कीमत से। तो मिनिमम 33% लाना जरूरी है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी ध्यान रखिए कि जामिया के स्कूल में चाहे 6 में, 9th में, 11 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जितने भी टेस्ट होते हैं जामिया में वो सिर्फ दिल्ली में ही होंगे, 6, 9, 11 का। तो टेस्ट का डेट्स आ गया, तो आप लोग अभी रिजर्वेशन कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको कब आना है।
अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बात के लिए, स्पोर्ट्स के बात के लिए, एडमिशन शेड्यूल भी आपको पता चल गया। अब एलिजिबिलिटी आपको फटाफट बता देता हूं, उसके बाद कुछ ही रह गए हैं। देखिए, नर्सरी में एडमिशन के लिए 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में होना चाहिए एज। प्रेप में एडमिशन के लिए 4 साल से लेकर 6 साल के बीच में होना चाहिए। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए एज। अब हम बताते हैं कि आपका सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपका एडमिशन होगा। बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो नर्सरी प्रेप क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। अब बात करते हैं 9th में 6th में 11th में। तो 9th में देखिए, आपको एग्रीगेट 41% मार्क्स होना चाहिए 8th क्लास में 9th में एडमिशंस के लिए, और इंग्लिश में 41% होना चाहिए। 11th आर्ट्स के लिए भी 41% और इंग्लिश में भी 41%, यानी इंग्लिश में कोई फेल है, इंग्लिश में कम मार्क्स है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। 11th कॉमर्स के लिए 51% एग्रीगेट होना चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में 41% होना चाहिए। 11th साइंस में 61% इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साइंस में 61%। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है एडमिशंस के लिए। और इन सारे कोर्सेज में तो कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें एज लिमिट्स है, तो एज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इंटरनल का, तो इंटरनल में जो कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए, एडमिशन 6th और 9th में द बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय प्रीवियस स्कूल्स एंड क्लास 9th डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द इशू बाय कंसल विल बी वैलिडेटेड। तो आपको 6th 9th में एडमिशंस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रीवियस स्कूल वाला ही मान्य हो सकता है। बाकी आप समझ जाइए कि इसमें नर्सरी प्रेप क्लास फर्स्ट में ये वाला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तहसीलदार, जो बर्थ सर्टिफिकेट जनरली सरकारी बनता है, वो होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया जरूरी है नर्सरी प्रेप और क्लास फर्स्ट में। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट 25 नंबर पेज पे चलते हैं। 25 नंबर पेज पे आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इंस्ट्रक्शन एडमिशन टेस्ट में ये है कि आपका जो टेस्ट पेपर है वो इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा और उर्दू में भी आएगा। तो तीनों भाषा में आपको टेस्ट होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। 2 घंटे का टेस्ट होगा 6th, 9th और 11th का। OMR शीट आपको वहीं पे जमा करके आने होंगे, ये बहुत जरूरी है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब चीज मैं रिटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। ये था, अब चलते हैं 26 वाले पेज पे। 26 पेज पे आएंगे तो देखिए, सिलेबस है एडमिशन टेस्ट का। तो 6 क्लास के लिए EVS में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स का, मैथ्स के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा क्लास 6 में, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th का देखिए, इंग्लिश 25, मैथ 30, साइंस 25, सोशल साइंस 20, ये 9th क्लास के एडमिशंस के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न है। सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं एज पर CBSE सिलेबस जो इस साल का रिसेंट है। 11th साइंस के लिए इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके का 10 क्वेश्चन, फिजिक्स का 15, केमिस्ट्री का 15, बायोलॉजी का 15, मैथ का 20 यानी 20, टोटल 100 नंबर के टेस्ट होंगे। उसी तरह आर्ट्स में इंग्लिश 25 के, जीके 15 का, सोशल साइंस 60 के। 11th कॉमर्स में इंग्लिश 25, जीके 10, मैथ 25, सोशल साइंस 40। पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताया हूं, जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। अब हम आते हैं 29 वाले पेज पे। 29 वाले पेज पे देखिए, एनुअल फीस स्ट्रक्चर है सारे स्कूल वाइज क्लास वाइज। तो यहां देख सकते हैं 3,725, 3,675, मतलब टोटली 4,000 के नीचे ही फीस है 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का और 12th का जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का। वहीं बात करेंगे सैयद आबिद हुसैन में, तो ये सेल्फ फाइनेंस है, तो इसमें 30,000 के आसपास फीस है 11th से लेकर 12th, 6th से लेकर 8th और 5 का 20,000 के आसपास है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। अब हम बात कर लेते हैं, ये 29 पेज हो गया। अब 30 वाले पेज पे सेल्फ फाइनेंस का था, वो आपको बता दिया। अब आपको 35 नंबर पेज पे ले चलता हूँ, जिसपे आपको मुस्लिम कैटेगरीज का कुछ आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम माइनर है, 18 साल से कम है, तो आप मुस्लिम में आते हैं, मुस्लिम फेथ से हैं, तो आप मुस्लिम कैटेगरी में अप्लाई करने वाले के लिए ये पेज प्रिंट करके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्नेचर होगा फादर मदर या गार्जियन का। उसी तरह ये है मुस्लिम फेथ, ये है ना, माइनर वुमेन के लिए ये फॉर्मेट है। ओबीसी के लिए, मुस्लिम ओबीसी के लिए ये वाला फॉर्मेट है। तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी जो मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम जनरल कैटेगरी या मुस्लिम ओबीसी या एसटी है, तीनों फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है प्रोस्पेक्टस में, इस पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओएमआर शीट का सैंपल क्लास 6 का आप देख सकते हैं, ओएमआर शीट है, कैसे भरना है उसका इंस्ट्रक्शन भी मैं आई बटन पे डाल दूंगा। बहुत सारे मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि ओएमआर शीट कैसे भरना है, प्रैक्टिकली भर के मैंने दिखाया। 9th और 11th का ये ओएमआर शीट सैंपल है। अब आपको पूरा मैंने कंप्लीट चीजें बता दी है, अब लास्ट वाला पेज भी मैंने आपको दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्कूल का कंप्लीट जानकारी मिल गई है। तो चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को जिनको भी जामिया स्कूल में एडमिशन चाहिए इस साल, ये भेजिएगा। नर्सरी प्रेप क्लास फर्स्ट से लेकर 6th, 9th और 11th, आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस, सब का A to Z डिटेल्स मैंने बता रखा है। इसको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देख लीजिएगा। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।